अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज तलहा फ्रॉम तलहा व्यूज YouTube चैनल। गाइस 30,000 रुपए एक ऐसा बजट है जहां पर ज्यादातर पाकिस्तानी लोग स्मार्टफोन्स को परचेज करते हैं और परचेज करना पसंद भी करते हैं, बिकॉज नॉर्मली 90% लोगों का यही बजट होता है। बट यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इस बजट में कभी भी आपको एक परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं मिल सकता और ना ही मिलता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेस्ट डील, जहां पर ये जो स्मार्टफोन है 30,000 में आप लोगों की वो सारी शिकायतें दूर कर देगा एंड आपको वो सारी चीजें दे देगा जो कि आपको चाहिए। ये एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट डील हो सकती है आप लोगों के लिए 30,000 में। यहाँ पर आपको सारी चीजें नेक्स्ट लेवल ही देखने को मिलने वाली हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, ना चले कमेंट से बताना कि वीडियोस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, बट आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे। सो लाइक कर दो, लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पर क्लिक कर दो ताकि मेरी वीडियोस की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं। सो भाई लेट्स बिगिन। गाइस बात करते हैं स्मार्टफोन की, ये है पोको का पोको X3 NFC। अब बात करते हैं फोन के बारे में एंड आपको बताता हूँ अभी भी आपको ये फोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले फोन की प्राइस की बात करते हैं, ये आपको लोकल मार्केट में थोड़ा सा चल फिर कर जो है वो तकरीबन 30-31 के राउंड देखने को मिल जाएगा। साथ में सारी जो उसकी एक्सेसरीज वगैरह आएंगी, बॉक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और ये भी तकरीबन इतने का ही है। बाकी अगर आपको लेना हो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा, आप ट्राई कर लेना। तो यहाँ पर बात करते हैं स्मार्टफोन की और मैं आपको बताता हूँ कि क्या वाकई ही में आपको ये लेना चाहिए अभी के लिए नहीं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। 6.67 इंच डिस्प्ले एक IPS LCD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 415 निट्स आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको HDR का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। देखो डिस्प्ले की अगर बात करूँ एंड अगर बजट देखा जाए तो दिस वन इज बेस्ट ऑफ दी बेस्ट डिस्प्ले अगर हम देखें, चाहे ये यूज्ड में है बट डिस्प्ले कमाल के। इनडोर आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है और जो 120 हर्ट्ज़ है वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। तो डिस्प्ले अगर देखा जाए नो डाउट एक बेस्ट डिस्प्ले है आप लोगों के लिए। उसके बाद में अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो ठीक ठाक डिज़ाइन आपको पता होगा कि कैसा है और पसंद भी आएगा या नहीं आएगा वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल्स का है, 13 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड है, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर एंड फ्रंट पे आपको पंच होल के साथ 20 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा मिल रहा है। कैमरा रिव्यू यूट्यूब पर देखें डिटेल के साथ जाकर सारी चीज़ें, बट अगर मैं बोलूँगा जितना मुझे पता है तो पोको या शाओमी के जो कैमराज है ना, अगर इस बजट में देखा जाए 30,000 में, तो कैमराज के मामले में भी दिस वन इज़ दी बेस्ट कैमरा फोन। बाकी आप यूट्यूब पर देखें लेकिन कैमराज भी काफ़ी तबाही हैं। तो अगर आपको कैमराज के लिए भी एक अच्छी सी डिवाइस चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है तो उस लिहाज से आपके सामने है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 6GB रैम 128GB की स्टोरेज मिलेगी एंड यहाँ पर अगर बात कर लीजिए प्रोसेसर को लेकर, स्नैपड्रैगन का 732G जो कि रेडमी नोट 10 प्रो में आ रहा है और वो फिलहाल के लिए 51,000 का है। अगर आप 30,000 में देखें 732G, दिस वन इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, यस। और अगर बात करूँ पबजी ग्राफिक्स को लेकर, स्मूथ विद अल्ट्रा HD में हाई देखने को मिलेंगे, लाइक 40 FPS ही है, जायरो हार्डवेयर बेस देखने को मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड आ रहा है जिसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए मेमोरी वगैरह को लेकर तो एक बेस्ट ऑप्शन है, यस। और यहाँ पर इसका जो हैप्टिक फीडबैक है ना वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, लाइक टाइपिंग के दौरान जो वाइब्रेशन होती है ना वो बहुत मज़े की है। मैं आपको करके दिखाता हूँ अगर आपको साउंड आए, आई डोंट नो कि आपको साउंड आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपको NFC भी देखने को मिल रहा है, इसमें आपको जो है वो IR ब्लास्टर भी देखने को मिल रहा है, लाइक सारी चीज़ें यार जो कि एक स्मार्टफोन में होनी चाहिए। बट एक चीज़ है शाओमी का या पोको का UI जिसमें आपको बग्स देखने को मिलते हैं एंड होप्स हो कि इसमें भी आपको देखने को मिलेंगी, बट ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पर इसका सलूशन ये है कि आपके पास अगर अभी भी शाओमी का फ़ोन है या आप लेने जा रहे हैं या लेने का सोच रहे हैं तो आपके साथ कोई ना कोई बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए जिसको कस्टम रोम्स का पता हो जो कि इंस्टॉल कर सके पिक्सल रोम को। बिकॉज अगर आप इस स्मार्टफोन में या Redmi Note 10 Pro में कस्टम रोम पिक्सल रोम डालते हैं जिसमें एंड्रॉइड 12 जो के लेटेस्ट वर्जन वाला है ना, तो उसकी जो फीलिंग होगी, उसका जो रिस्पांस होगा, जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है। एंड अगर वो चीज़ आप इसमें डालते हैं पिक्सल रोम या कस्टम रोम, तो ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप शाओमी के स्मार्टफोन्स को रूट कर लेते हैं तो इनकी वारंटी खत्म नहीं होती, दूसरे स्मार्टफोन्स की हो जाती है, तो ये वारंटी में ही रहेगा। बाद में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप उसको अनरूट करके और दोबारा जो है वो वारंटी क्लेम करवा सकते हैं, यस। ये बड़ी नेक्स्ट लेवल और अच्छी चीज़ है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, 33W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है एंड साथ ही में आपको डुअल स्पीकर्स भी देखने को मिल रहे हैं जिसकी क्वालिटी मैं आपको चेक करवा देता हूं। किसे
अच्छा ऑडियो क्वालिटी की अगर बात करूँ तो आपके सामने स्पीकर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट मैंने एक चीज़ नोट की और लोगों को ये प्रॉब्लम भी लग रही थी, इसकी जो बैक है यहाँ से थोड़ी थोड़ी ना वाइब्रेट करती है, और ये जो प्लास्टिक है ना ये साथ में जाकर टच भी करती है अगर आप इसको दबाते हैं, बट फिलहाल इतनी नहीं लग रही, अभी तो लग ही नहीं रही आई थिंक सो, बट ये थोड़ी थोड़ी हल्की वो पोको एक्स थ्री प्रो था, यस इसमें नहीं है ये प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो जो है ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करती है बैक से, शायद ही आपको इरिटेट भी करे मुझे नहीं पता, बट मुझे तो नहीं कर रही क्योंकि वो वाइब्रेशन थोड़ी सी फीलिंग अच्छी देती है। बाकी स्पीकर क्वालिटी आपके सामने आके क्या कुछ सीन है। देखो यार ये स्पेक्स बताने का और ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही है कि एक चीज़ जब आपको मिल रही है ना तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, आप नहीं जाएँ टेक्नो इन्फिनिक्स की तरफ 30,000 में, लाइक ये मतलब नहीं है मेरे कहने का, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो आपके पास ये है, ये चीज़ें आपको यूज में मिल जाती हैं मार्केट में। एक्स थ्री प्रो थोड़ा सा महंगा मिलेगा तो ये चीज़ें आपके सामने, एक्स थ्री प्रो लगभग जो है वो 35-40 के अराउंड 6GB 128GB वाला आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा, ट्राई करूंगा अगर मिला तो वीडियो दे दूंगा आप लोगों को। तो उसमें देखो यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज मिल रहा है, बेस्ट कैमराज मिल रहे हैं, 33 वोट सारी चीज़ें, डुअल स्पीकर्स, NFC, मैं कहता हूँ कि हर वो चीज़ मिल रही है जो कि एक स्मार्टफोन में होनी चाहिए, और आई थिंक सो कि दिस वन इज दी परफेक्ट वन अंडर 30,000। सो आई होप कि गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा है, अब अगर आपने कुछ पूछना है कुछ बताना है तो कमेंट में, सो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, देखते रहिए, सब्सक्राइब करके जाना, तब तक के लिए बाय। I want your devotion.